मेरे चैनल पे भी 10-20 सब्सक्राइबर या 100, 1000, 2000 थे। तो इस तरीके से हम भी सोचते रहते थे, दूसरों की वीडियो को देखते रहते थे क्या करें कि जिससे मेरे चैनल पे व्यूज आए। तो नमस्कार दोस्तों, तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं। बहुत सारे माताओं बहनों का ये रहता है कि पहले व्यूज आते थे, अब नहीं व्यूज आ रहे हैं, या फिर किसी किसी के चैनल पे व्यूज ही नहीं आते हैं, कोई कोई वीडियो पे 1000-2000 व्यूज आ जाते हैं। तो आज इस टॉपिक पर आपको बताने वाले हैं क्या करें, कैसे करें कि आपके चैनल पे कंटिन्यू व्यूज आते ही रहे। क्योंकि इस ट्रिक को हम भी अपनाते हैं, हर क्रिएटर अपनाता है, बड़े बड़े यूट्यूबर तो यही अपनाते हैं क्योंकि वो यूट्यूब के बारे में पूरी तरीके से समझ लेते हैं, जान जाते हैं कि हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारी वीडियो को देखते हैं, उनको कैसे टाइप की वीडियो पसंद है, तो उसी हिसाब से वो वीडियो डालते हैं जिससे उनके चैनल पे पर डे यानी रोज रोज व्यूज आते रहते हैं। देखिए, आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप जैसे किसी की वीडियो देखते हैं, अगर सीख करके जल्दी से उस काम को कर लेते हैं तो जल्दी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। अगर आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, देखिए हम भी धीरे धीरे ही सीखे हैं, क्योंकि आज मुझे इतना टाइम जो लगा यहाँ तक आने में, तो हमने धीरे धीरे ही सीखे हैं तो आज यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन हम ये भी देखे हैं कि हमारे साथ वीडियो बनाने वाली बहुत सारी माताएं, बहनें, भैया जो हमारे साथ वीडियो बनाते थे, आज मेरा 1,00,000 लगभग, मतलब 15,000 सब्सक्राइबर हैं, 1,15,000 के करीब में हैं मेरे सब्सक्राइबर। लेकिन वहीं के वहीं मेरे साथ जो वीडियो बनाते थे वही 4,000, 5,000, 10,000 पर ही रुके हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने देखा नहीं, मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि YouTube पर कैसे काम करें कि आगे बढ़े। YouTube का सिस्टम को उन्होंने समझा नहीं, इसलिए वो आज भी पीछे रह गए और हम थोड़ा आगे निकल गए। हम बहुत ऊंचाई पर तो नहीं आए हैं, लेकिन ये है कि हमारे साथ जो वीडियो बना रहे थे उनके अपेक्षा हम तब भी उनसे कई ज्यादा गुना आगे आ गए। मुझे काफी लोग जानते भी हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी काफी ज्यादा हैं, मेरे व्यूज भी अब अच्छे खासे आ जाते हैं। तो देखिए, मेरे चैनल पे भी व्यूज नहीं आते थे तो हम भी वीडियो देखते थे व्यूज कैसे लाएं। तो देखिए, भले ही देखते थे लेकिन उसी तरीके से अपने चैनल पे सुधार भी करते थे। ऐसा नहीं केवल वीडियो देखते थे और सीखने की कोशिश नहीं करते। देखिए, सीखने में थोड़ा सा दिमाग भी लगता है और थोड़ा सा टाइम को भी देना पड़ता है, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है सीखने में। अगर चीजें समझ नहीं आती है तो सीखने का भी मन नहीं करता, ये होता है कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, हमारे चैनल पे ऐसा तो कुछ कहीं दिख नहीं रहा है। लेकिन होता सब है, लेकिन ये है कि हम सीखना नहीं चाहते, उसमें घुसना नहीं चाहते, मेन बात ये है। तो इस टॉपिक के लिए पहले उनका नाम बता देते हैं, जो लोग भी विनर हुए थे। जो भी मेरी वीडियो 12:15 पे अपलोड होती है, जिसका भी 10 मिनट के अंदर फर्स्ट कमेंट रहता है, मतलब 15 या 16 लोग का ही रहता है, क्योंकि इतने लोग का सपोर्ट हम भी करते हैं, हमको भी टाइम लगता है वीडियो को बनाना, सभी का वीडियो को लेना, स्क्रीनशॉट लेना, तो फिर मुझे भी टाइम लगता है। तो मैं लगभग 15 लोगों का सपोर्ट कर देती हूँ, मतलब उनके चैनल का स्क्रीनशॉट यहाँ दिखाते हैं और उनके वीडियो का लिंक, उनके चैनल का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो आप लोग जाकर के वहाँ से सपोर्ट कर दीजिएगा। तो चलिए नाम बता देते हैं, उसके बाद फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक लोग है प्रीतम ऑफिशियल 61, तो इनको भी सपोर्ट करिएगा। एक है खुशबू मिश्रा 1100, इनको भी सपोर्ट करिएगा। एक है जूली गुप्ता, इनको भी सपोर्ट करिएगा। एक है प्रीति ऑफिशियल, तो इनको भी सपोर्ट करिएगा। एक है सविता मुकेश, तो इनको भी सपोर्ट करिएगा। एक है निशा साहू, इनको भी सपोर्ट करिएगा। एक है रिंकू शुभम ब्लॉग, तो इनको भी सपोर्ट करिएगा। एक है सोना सोनी, तो इनको भी सपोर्ट करिएगा। एक है मोरल स्टोरी 999, तो इनको भी सपोर्ट करिएगा। एक है, तो इतने लोग का सपोर्ट कर दिया है, अभी आप वीडियो में आगे देखते रहेंगे और लोग का सपोर्ट कर देंगे। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। और मेरे फेसबुक का लिंक मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप लोग वहां से फॉलो कर लीजिएगा। मेरा एक चैनल है सुमन ऑफिशियल, जिसमें मेरे ब्लॉग का चैनल, मतलब ब्लॉग डालते हैं, वो भी मतलब चैनल सुमन ऑफिशियल है, तो उसको भी जाकर के आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस ट्रिक को हमने सोचा आपको भी बता दे कि देखिए ट्रिक क्या, जैसे ये होता है कि आप अपने चैनल पे काम करते करते अपने वीडियो का एनालिटिक, मतलब कि आप अपने वीडियो का YT स्टूडियो में एनालिटिक देखते रहें कि हमारा सिस्टम यानी हमारा जो YouTube चैनल है कौन से सिस्टम से काम कर रहा है, जिससे कि हमारे चैनल पे रेगुलर व्यूज आते रहें। तो चलिए, साइड में स्क्रीन चलेगा, आप उसको पहले देखिए, समझिए, उसके बाद आप खुद सोचिएगा कि हाँ ये चीज सही है कि नहीं। आप इस चीज को, मतलब इस तरीके को लगभग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते अपना कर देख लीजिएगा। अगर आपके चैनल पे नहीं आया तो आप हमें कमेंट करिएगा कि आपका तरीका सही नहीं था, क्योंकि इस तरीके को आज भी हम अपनाते हैं और पहले भी जब बहुत कम, जैसे आप लोग के जैसे थे, जब मेरे चैनल पे भी 10-20 सब्सक्राइबर या 100, 1000, 2000 थे, तो इस तरीके से हम भी सोचते रहते थे, दूसरों की वीडियो को देखते रहते थे क्या करें कि जिससे मेरे चैनल पे व्यूज आए।
तो इस तरीके से हम भी देखते थे, लेकिन आज देखते 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 सीख चुके हैं कि कैसे व्यू जाता है, कैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ता है। वीडियो में यही होता है कि लोगों को अपने वीडियो के तरफ आकर्षित करना पड़ता है। आपकी वीडियो में इतने दम हो, इतनी क्वालिटी होना कि लोग आपकी वीडियो को अगर क्लिक कर दे तो बिना फुल वॉच किए नहीं जाए। तो चलिए फिर दिखाते हैं साइड में स्क्रीन, उसके बाद फिर आप लोग का डाउट क्लियर होगा। तो आप लोग ये चीज अपना लेंगे तो आपके चैनल पे भी कंटिन्यू व्यूज आते ही रहेंगे। तो चलते हैं अपने चैनल पर, मेरे इसी चैनल पर, तो चलते हैं योर वीडियो पर। योर वीडियो पर जा करके अपनी कोई भी एक वीडियो को चलानी है। देखिए आपको यहाँ तक पहुँचना है जहाँ पर आपकी ओल्डेस्ट, पॉपुलर, लेटेस्ट वीडियो दिखती है। तो उसके लिए अपनी कोई भी एक वीडियो चलानी पड़ेगी, अपने नीचे वाले लोगों पर टच करके, और उसके बाद अपने वहाँ पर आ जाना है। अपने देखिए लेटेस्ट है, पॉपुलर है, ओल्डेज है। तो आपको पहले हम ओल्डेज पे चलते हैं कि देखिए आप मेरा चैनल ही देख सकते हैं पहले कैसे चलता था और अब कैसे चलता है। तो देखिए ये मेरा अब थोड़ा चैनल चलने लगा, लेकिन पहले नहीं चलता था। तो देखिए चलते हैं अपने ओल्डेज वीडियो पर, शुरू के टाइम में हम कैसी वीडियो बनाते थे और आज कैसी वीडियो बना रहे हैं और आज कहाँ तक पहुँचे हैं। तो देखिए मेरी ओल्डेज वीडियो में देखिए ऐसे व्यूज आए हैं। अब आप लोग कहेंगे तो आया तो है 4,000-5,000, किसी किसी पे देखिए बिल्कुल भी नहीं आया है। और आपको बता दें ये मेरी वीडियो पे अब व्यूज आ गए, क्यों? क्योंकि लोग जैसे जैसे मेरा चैनल चलने लगा ना, तो लोग मेरी ओल्डेज पर भी जाकर के देखने लगे, तो जिससे मेरे व्यूज आ गए अब 2-3 हज़ार, पहले नहीं थे, पहले नहीं आते थे। देखिए इतने इतने व्यूज आए हैं, या फिर कोई कोई वीडियो रहता था एकाएक 4,000-5,000 चला जाता, जैसे आप लोग का कोई कोई वीडियो चला जाता है। तो इस तरीके से मेरे ओल्डेस्ट थे जिसपे व्यूज बिल्कुल भी नहीं आते थे। और पॉपुलर पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पॉपुलर पर 3 मिलियन 2 मिलियन 2 मिलियन ऐसे ऐसे व्यूज आए हैं। क्यों? आपको यही ट्रिक समझना है। यहीं पे वीडियो को अगर स्किप कर देते हैं आप नहीं समझ पाएंगे, फिर आपके चैनल पे रेगुलर व्यूज नहीं आएंगे। तो देखिये ये मेरा वीडियो है जो की पॉपुलर है, ये मेरी भाभी जी है आ रही है अंदर, इनकी शादी हुई थी जब, तो ये है वीडियो। अब इसी के नीचे पर टच करते हैं, आपको दिखाते हैं इसी वीडियो को लेकर हमने कितना चैन मतलब कितनी बार वीडियो को बनाया है। देख सकते हैं आप, देखते जाइएगा मेरा स्क्रॉल, जहां पर मेरा तीर जाए उसको देखते जाइएगा। देख सकते हैं उसी वीडियो को लेकर के, उसी गीत को लेकर मैंने फिर बनाया वीडियो, तो उस पर भी चल रहा है मेरा। तो यहाँ पे देखिए 11,000 गया है और यहाँ पे 1,200। फिर चलते हैं बैक होते हैं, आपको और एक दो वीडियो और दिखा देते हैं। तो चलते हैं फिर से बैक, आप दिखाते हैं आपको मेरा एक वीडियो है देखिए यहाँ पे जो लगभग 2 मिलियन करीब है, 2 मिलियन इसमें भी है, 2 मिलियन से प्लस ही है, 2 मिलियन से प्लस इसमें भी है। इसमें का कोई एक वीडियो हम चलाते हैं और दिखाते हैं आपको। तो देखिए मैंने इस वीडियो को चलाया, तो ये है गाड़ी लबा, ये वाला गीत है ये। तो उसके नीचे को टच करते हैं, वहाँ पर नीचे अब आप यहाँ पर देखिए इसमें 4,22,000 और उसके बाद फिर 37,000, फिर उसके बाद और नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, आप देखते जाइएगा कितने कितने व्यूज आ रहे हैं मेरे इसी गीत को, मैंने बार बार रिपीट किया है। और देखिए यहाँ पे 2 मिलियन, फिर 2 मिलियन, फिर 1 मिलियन, फिर यहाँ पर देखिए 8 मिलियन, फिर उसके बाद 1 मिलियन। तो इससे मुझे बहुत अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी मिले थे, और उसके बाद वॉच टाइम भी इससे तो नहीं मिला था, लेकिन मुझे लाइव आते थे तो लोग हमारे लाइव में ज़्यादा जुड़ते थे। देखिए हमारे गीत को लेकर एक लोग और बनाए, उनका भी गया है, आप देखते जाइए मेरे चैनल पे। देखिए मैंने उसी गीत को कितनी बार रिपीट किया है, तो मेरे चैनल पे व्यूज आ रहे हैं अच्छा खासा, लगातार व्यूज आ ही रहे थे मेरे शॉर्ट वीडियो पर। तो इस तरीके से हम भी आप देख ही सकते हैं कितने कितना लिए हैं, सब व्यूज आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि मुझे ये समझ आ गया था ना मेरे चैनल पे ये वीडियो चलेंगी। देखिए इस तरीके से आप भी अपने चैनल पर जो भी आपकी पॉपुलर हो या फिर जो रेगुलर आप डाल रहे हैं, जो वीडियो रेगुलर ही डाल रहे हैं उसी पर देख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके को हमने भी अपनाया है। हमने तो सबसे ज्यादा अपनाया है भाई, क्योंकि मुझे आपको अभी लाइव प्रूफ भी दिखाई दिया कि मैंने अपने उस गीत पर कितना ज्यादा वीडियो बनाया है। मेरे चैनल पे वो चलता है, तो इसलिए हम उस पर इतना वीडियो बनाए हैं, और उससे मुझे लगभग काफी ज्यादा, हम कह रहे उससे मुझे लगभग 10 या 20 हज़ार सब्सक्राइबर मेरे उसी वीडियो से मुझे मिला है कि हम इस पे आज डाले, आज भी व्यूज आ गया, तो कल भी उस पर हम डाल दें एक वीडियो, अदर गीत भी लेते ले लें ले, लेकिन उस पर भी डाल दें, तो जिससे मेरे चैनल पे कंटिन्यू व्यूज आते रहें। तो इस तरीके से आप अपने चैनल पे काम करते रहेंगे तो आपके चैनल पे आगे चलता रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर भी यही करते हैं, चाहे उनका लॉन्ग वीडियो हो चाहे शॉर्ट वीडियो हो, वो यही देखते हैं कि मेरे चैनल पे किस कैटेगरी के लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं जो अच्छे खासे मतलब व्यूज मेरे चैनल पे जिस वीडियो से आ रहे हैं, तो वही वो क्या करते हैं, जैसे ही एक हफ्ते होता है या 10 दिन होता है उसी वीडियो को रिपीट कर देते हैं। रिपीट मतलब ये नहीं कि उसी वीडियो को डाउनलोड करके डाल देते हैं, मतलब उसी टाइप से हर बार देखिए
भले टॉपिक वही रहती है लेकिन बोलने का तरीका, हर बार समझाने का तरीका अलग हो जाता है, लेकिन टॉपिक वही रहती है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं हमारी बातों को। बहुत सारी माताएं बहनों का ये था कि कभी कभी व्यूज आ जाते थे तो फिर बाद में व्यूज डाउन हो जाते हैं, तो इसलिए देखिए कभी कभी क्या होता है चैनल लो, मतलब चैनल स्लो हो जाता है, कभी कभी अच्छा चलता है, कभी कभी स्लो चलता है। हर किसी का, जो बड़े यूट्यूबर है चाहे छोटे यूट्यूबर, सब पर यही होता है। कभी कभी चैनल बहुत अच्छा चलेगा, कभी कभी बिल्कुल नहीं चलेगा कि आपको मन नहीं कहेगा कि वीडियो बनाएं, लेकिन क्या करें, बनाना पड़ता है। वो यूट्यूब है, समझता है कि समझता क्या है, देखिए जब आपके चैनल पे जो कैटेगरी की वीडियो चल रही है आप थोड़ा उससे हटकर वीडियो बना देंगे तो आपका चैनल डाउन हो जाएगा, फिर आप वही सुधारेंगे फिर आपका चढ़ेगा, चलेगा, मतलब चैनल ऊपर होगा। लेकिन कभी कभी डाउन हो जाता है, जैसे मेरा भी चैनल कभी डाउन हो जाता है, कभी चलने लगता है। तो ये यूट्यूब है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, तो इससे घबराइए ना, अपना काम रेगुलर कंटिन्यू करते रहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमने जो बताया आपको समझ आया होगा, आप वैसे तरीके से अपने चैनल पे काम करने लगेंगे तो आपका 10 से 15 दिन लगेंगे, आपके वीडियो फिर से एक सिस्टम से होने लगेगी और आपके चैनल पे व्यूज आने लगेंगे। तो जो लोग भी बचे हुए हैं उनका भी हम नाम ले लेते हैं। तो देखिए एक लोग हैं कुलदीप रूबेल स्पॉट, तो इनको भी सपोर्ट करिएगा, और एक लोग हैं ममिता लोगी, तो इनको भी सपोर्ट करिएगा, एक हैं अमृता ब्लॉग्स, तो इनको भी सपोर्ट करिएगा, और एक हैं ऑल इन वन रसोई 85, तो इनको भी सपोर्ट करिएगा, एक हैं पूजा तिवारी, इनको भी सपोर्ट करिएगा, एक हैं विकास रंगीला ऑफिशियल, तो इनको भी सपोर्ट करिएगा। एक लाल, चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। बाय बाय, धन्यवाद।